बॉलीवुड फिल्म पठान लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यह फिल्म अपने पहले गाने बेशरम रंग के बाद से ही विवादों में आई। पठान लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अब तो बुर्ज खलीफा में पठान का ट्रेलर चलने के बाद तो इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। आज हम इस फिल्म से जुड़ी खास बात बताने वाले हैं। दरअसल इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सलमान खान भी नजर आएंगे। जी हाँ, चौंकिए मत, ये बात बिल्कुल सच है। बता दें कि पठान फिल्म में स्टार कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इन सब के साथ इस फिल्म में भाईजान यानी कि सलमान खान भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सलमान खान इस फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे। ऐसे में इस फिल्म को सलमान खान के फैंस का सपोर्ट मिलने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में तीन खानों का नाम चलता है, जिनमें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, भाईजान के नाम से मशहूर एक्टर सलमान खान और अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले आमिर खान। ऐसे में बहुत कम ही मौके ऐसे होते हैं जब ये तीनों एक्टर साथ में काम करते नजर आए हों। ऐसे में दोनों दिग्गज एक्टर्स का एक साथ में एक मूवी में नजर आना लोगों को खासा उत्साहित कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि दोनों ही एक्टर्स को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए आपको कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा। यह फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है।